नमस्कार दोस्तों, उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये कुछ दिन पहले मेरे पास मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियो पे, जिसपे चाइल्ड बर्थ का वो वीडियो है, पुराना वीडियो है काफी, उस पे किसी बहन ने ये क्वेश्चन डाला था और उन्होंने अपने बारे में ये पूछा था कि ये मैं अभी तक बच्चा नहीं हुआ और अपने बारे में कुछ उन्होंने कहा बताने के लिए। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपको अपने आप को पुअर नहीं लिखना चाहिए। पुअर का मीनिंग बहुत अलग अलग चीजों के लिए ले जा सकता है। फिर भी चलिए मैं इस ऊपर नहीं जाता हूँ। ये अगर आपने डेट ऑफ बर्थ, संतोष जी, अगर आपने करेक्ट लिखी है और लिखते टाइम आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, तो 4/2/1984 और 8/9/1900, मैं इसी को रेफरेंस लेके बात कर। देखिए, यहाँ पर जो एज डिफरेंस है, जो लड़के में और लड़की का आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 साल से ऊपर का, ये या 6 साल से अप्रोक्सीमेटली 6 साल के आसपास का डिफरेंस आ जाता है, वजह इसकी जो भी रही। इस वजह से जो आपकी दशा थी, आपकी दशा ने आपको सपोर्ट किया। जो मैरिज की डेट लिखी आपने 16/11/2016, इसमें मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि कम से कम अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा नहीं तो आपको 6 साल का पीरियड था जहां पर आपको बच्चा हो जाना चाहिए। अब उस 5-6 साल का जो पीरियड था, जो आपकी कुंडली सपोर्ट भी करती है, उसके दौरान नहीं गुस्सा होने का कहीं ना कहीं अगर कोई कारण बनता है, तो वो हो सकता है कि आपका जो इमोशन, जो बैलेंस है लाइफ को, आपके गुस्से की वजह से या आपके जो भी कोई मंगल का, या जो आप कह सकते हैं आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, या उस टाइम पे आपने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश भी की होगी, तब तक आपका वो ठीक नहीं। करस्पॉन्डिंगली अगर बच्चे की बात कहें, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो, या तो नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से मैंने देखा है कि ये टाइम पीरियड में आपके और आपके हस्बैंड का जो चार्ट की मैचिंग के दौरान वो कॉमन पीरियड आया ही नहीं जहां आप कंसीव कर सकते। हाँ, अगर डॉक्टर की कोई या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई अगर गुंजाइश होती तो उसमें भी संभावना ही हो सकती थी। आजकल का ये आप समझ रहे होंगे, या कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या चीज के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दा कि क्या अगर इस एज के हिसाब से देखें, अप्रोक्सीमेटली 45 के बाद अगेन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फीमेल के लिए, लेकिन रूल्ड आउट नहीं कर सकते। और अगर मैं इसके बेसिस पे आपको कहूँ नहीं जी चांसेस हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ी मूर्खता है। फिर भी अगर आपको 2024 से लेके 2024 नहीं जी, आप अगर अब बात करेंगे, अगर हम इस चीज में करेंगे 2026 से लेके 2029, 2026 से लेके 2029 के बीच का एक पीरियड ऐसा आएगा आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्योंकि उनका 4/2 का बर्थडे है, यानी 4/2/2026 से लेके 4/2/2029 के बीच में एक ऐसा पीरियड आएगा कि अगर आप चाहें और डॉक्टर के एडवाइस लें, या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, चाहे वो बच्चा अडॉप्शन के थ्रू आए, चाहे IVF के थ्रू आए, चाहे नेचुरल वे में आए, बट उसके लिए आपको पहले डॉक्टर से एक ट्रीटमेंट देना होगा। आप वो देखिएगा कि यार आपको ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। मैं इससे ज्यादा और कुछ अभी देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी भी फीमेल की जो एज है वो 45 को टच कर जाती है, तो उसके लिए कहना बहुत मुश्किल होता है। 40s तक फिर भी हम एक 40 से 45 के बीच में एक संभावना रहती है, लेकिन 45+ हो जाने के बाद इतनी संभावना कम होती है। लेकिन आज के मेडिकल साइंस के युग में हम किसी चीज को रूल्ड आउट नहीं करते हैं।
लेकिन अगर ये जो पीरियड आएगा ये 2026 से लेके 2029 के बीच में आएगा, अगर ईश्वर की खासकर बजरंग बली की इच्छा रही होगी तो आपको लेट स्टेज पे एक संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर वो संतान प्राप्ति के योग अगर आप देख रहे हैं कि आपके खुद के नहीं, तो भी आपके एक ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पर आपको एक संतान किसी भी रूप से प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।